कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मैं किस तरह से मॉर्निंग में अपनी स्टडी के लिए टाइम निकाल लेती हूँ। एंड मेरी काफ़ी फ्रेंड्स भी हैं जो मेरी तरह ही हाउसवाइफ हैं एंड स्टडी कर रही हैं, मैं उनको भी कुछ टिप्स देना चाहूँगी जो आपके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग इस बात को अपने माइंड से निकाल दीजिए कि कोई आएगा और आपको कहेगा कि जा बेटा पढ़ ले, तेरा काम मैं कर लूँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, चाहे आप किसी के कितने भी चहेते क्यों ना हो। अगर आपको पढ़ना है, अपने लिए या अपनों के लिए कुछ करना है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। इस वीडियो में मैं आपको अपनी बिहाफ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी कि आप किस तरह से मॉर्निंग में स्टडी के लिए टाइम निकाल सकते हो। ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस पर आपको बता रही हूँ। हो सकता है आपकी लाइफ इससे कुछ अलग हो या आप इससे कुछ रिलेट कर पाते हो, तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कि आप लोगों को पता है मैं एक ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, तो इसलिए मैं सुबह जल्दी ही सो करके उठ जाती हूँ। मेरे उठने का टाइम 4 AM से लेकर 4:10 AM तक होता है और मैं 4:30 तक अपने पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। उस टाइम घर के बाकी मेंबर सोए हुए होते हैं। जब उन्हें लगता है कि हाँ ये जग रही है और पढ़ने के लिए बैठ रही है, तो उनको भी लगता है कि हाँ ये कुछ करना चाहती है तो हम इसको डिस्टर्ब ना करें, तो थोड़ा वो भी समझने लगते हैं। 5:20 हो चुके हैं, अब मैं अपनी स्टडी को छोड़कर अपने घर के कामों में लग रही हूँ। सबसे पहले मैंने सभी के लिए चाय बनानी रख दी है और इसी बीच मैं अपनी सब्जी की तैयारियों में लग गई हूँ। मैं चाय पीते पीते ही अपनी सब्जी भी सारी काट लूंगी। आप लोग भी मेरी तरह मॉर्निंग में जल्दी उठकर पढ़ने का ट्राई जरूर कीजिए। आप एक दिन कोशिश करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इससे आपको पूरे दिन पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहेगी। यहाँ पर मेरी क्लीनिंग हो चुकी है एंड अब मैं आपको टेरेस पर लेकर चलती हूँ। टेरेस पर मैं थोड़ी देर वॉक करके आती हूँ ताकि मेरा जो हेल्थ है वो भी अच्छा रहे। भी फैमिली मेंबर्स की केयर करते करते अपनी हेल्थ के प्रति बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना चाहिए। टाइम हो चुका है 5:50 एंड अब मैं अपने रूम में बेटे को जगाने के लिए जा रही हूँ। उसको जगाकर मैं उसको दूध पीने के लिए दे दूंगी, जो कि मैंने सब्जी बनाते बनाते ही उसका दूध बना दिया है। किचन में मैं अपने एक काम को लेकर नहीं बैठती हूँ, बल्कि साथ में अपने सभी कामों को लेकर चलती हूँ। अब मैं पहले ब्रेकफास्ट बना लूंगी एंड देन उसके बाद बेटे को नहला धुला कर मैं तैयार कर दूंगी एंड देन वो स्कूल चला जाएगा। बेटे के स्कूल जाने के बाद मैं अपनी किचन को समेट ले रही हूँ और अब टाइम हो चुका है 7:09 एंड मैं दोबारा से अपनी स्टडी के लिए अपनी स्टडी टेबल पर आ गई हूँ। मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगी जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो अपने जो हाउस वर्क होता है उसको पार्ट्स में डिवाइड करके आप कंप्लीट कीजिए। यदि आप लगातार काम करती रहेंगी तो आपकी बॉडी थक जाएगी। फिर मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं अपने काम को स्लॉट में डिवाइड कर लेती हूँ। मैं अपना कुछ काम 5 to 7 में कर लेती हूँ एंड कुछ काम मैं 9 to 12 o'clock में कंप्लीट करती हूँ। सब आप अपनी फैमिली की सिचुएशन के अकॉर्डिंग कर सकती हैं। मैं अपनी फैमिली को काफ़ी जान चुकी हूँ एंड मैं समझ चुकी हूँ कि मेरी फैमिली को कब क्या चाहिए, तो मैं उसी अकॉर्डिंग अपनी स्टडी और हाउस वर्क को मैनेज करती हूँ। एंड हाँ, इसी तरह से आप अपनी स्टडी को भी पार्ट्स में डिवाइड करके कंप्लीट कर सकती हैं। पार्ट्स में करने से हमारा माइंड रिफ्रेश रहता है। आप 1.5 hours स्टडी करें एंड देन आपको लगे कि मुझे ब्रेक चाहिए, तो उसी ब्रेक के टाइम में आप अपने छोटे जो अपने हाउस वर्क हैं उनको कर सकती हैं, जैसे कि बर्तन साफ कर लिए या कुछ खाने पीने का सामान ले लिया अपने लिए। ऐसा आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से ब्रेक लेने से हमारा माइंड भी रिफ्रेश रहता है और हम ज़्यादा प्रोडक्टिव स्टडी कर पाते हैं। अगर आपका बेबी स्कूल जाता है तो आप उस स्कूल टाइम को
अपने घर में अपने अकॉर्डिंग उसको यूटिलाइज कर सकती हैं। उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ाई करने की कोशिश करें। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। तब तक मेरा बेटा स्कूल से नहीं आता है, मैं तब तक अपनी स्टडी को जारी रखती हूँ एंड उसके आने के बाद ही मैं रेस्ट करती हूँ। आप लोग बिलीव कीजिए, एक बार आप ऐसा जरूर ट्राई कीजिए कि अपना जो हाउस वर्क है एंड अपनी जो स्टडी स्लॉट है उनको डिवाइड करके पार्ट्स में तब कीजिए। इससे आपका माइंड रिफ्रेश भी रहेगा और आप काम करते करते थकेंगी भी नहीं। एंड हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। यहाँ पर 9:22 हो चुके हैं एंड मेरी मॉर्निंग स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं अपने घर के कामों में लग जाऊंगी। तक मैं 3 आवर्स की प्रोडक्टिव स्टडी कर चुकी हूँ जिससे मैं पूरे दिन पॉजिटिव फील करती हूँ।